Good afternoon. Good afternoon, madam. Good morning, ma'am. Good afternoon. Sorry, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Excuse me. हाँ मैडम मैम ये पूछना था कि आपने कहा था कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लर्न करने हैं हमको। हाँ जी बच्चे। मैम एंड इसके अगर बाहर आ गया तो गिवन होगा मास? नहीं, कभी कभी गिवन भी होता है, जो टफ एलिमेंट्स होते हैं वो गिवन होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी कुछ जो कॉमन होते हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन बहुत यूज में आता है, तो कुछ जो कॉमन है उनके आपको आने चाहिए। ओके okay. हुनर यस मैम। बच्चे मैंने अब ना रेगुलर मैं लेक्चर डाल रही हूँ, आप देखा होगा ग्रुप में, यस है ना, तो वो लेक्चर अटेंड कर लेना, वो स्टार्टिंग से है बिल्कुल, ठीक है। वही कर रहा था इस पर। ओके ओके ओके, कौन कौन आ गया है एक बार ना अटेंडेंस दे दो मुझे। हाँ संचित, संचित आया? आया नहीं अभी। ओके अचिन, प्रेजेंट मैम। मयंक, प्रेजेंट। नमन, नमन भी नहीं है, नहीं आया। अमर आ गया, अमर संचित भी आ गया। हम संचित, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। नमन नहीं आया, अमर प्रेजेंट बोल दे बेटा। सोहेल, सोहेल आए? सोहेल नहीं आया ना। ओके सोहेल के बाद जशन, जशन भी नहीं आया। हुनर मैम। ओके साहिल खान, साहिल, साहिल हेलो, हेलो साहिल। ओके क्रिश, हेलो क्रिश, क्रिश ओके। कौन कौन रह गए हमारे पास? नमन, सुहेल एंड जशन। अचिंत आल्सो, अचिंत अटेंडेंस लगा दी उसकी मैंने जैसे पहले। अच्छा संचित, Yes, बच्चे जो आपके वो लॉस के डाउट सेव हो गए? नहीं मैम आपने सेंड ही किए। सुन सुन मेरा फोन तो ठीक हो कि आज आ रहा है वापस। Okay. लेकिन सुन जो मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ ना ग्रुप के अंदर, yes. है ना, आज मैंने लॉस की सेंड करी है, वो फर्स्ट टू लॉस हैं, वो तो आते होंगे। Yes. उनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सेंड कर रही हूँ मैं, एक बार लॉस ना वैसे तुम लोग सारे ही उसमें से कर लेना दोबारा, और जो तेरे डाउट है ना वो मैं कल सेंड करूंगी उसकी वीडियो बनाकर, ठीक है? ओके तो तुम लॉज दोबारा से एक बार वीडियोस देख लेना आज की वीडियो से, ठीक। एंड मैम टेस्ट चेक हो गया? टेस्ट तो पहुंचे नहीं ना मेरे पास। ओके मैं आज जब मेरा फोन आ जाएगा ना तुम लोगों से व्हाट्सएप पे दोबारा मंगवा लूंगी मैं, तुम लोग सेंड दोबारा कर देना मुझे सारे, ठीक है? ओके मैं मैसेज कर दूंगी तब सेंड करना, ठीक। ओके मैम। ओके सुहेल भी आ गए, सुहेल प्रेजेंट? Yes, ma'am. Okay. और रह गया जशन एंड नमन, जशन भी नहीं आया, नमन भी नहीं, दोनों ही सो रहे हैं। चलो इट्स ओके। अच्छा कल मैंने एक काम किया था आई थिंक सो बैलेंसिंग का, यस हाँ, तो की बैलेंसिंग यस मैम हो गई।
सभी ने करी, ट्राई की थी थोड़ी सी होगी। ओके क्वेश्चन था जहां तक मुझे ध्यान है ये रहा क्वेश्चन है ना, तो क्या आंसर आया बताना जरा। 2KMnO4+ पहले 2 आया है, पहले 2 आया है। अच्छा 2 आया है पहले, आगे प्लस 10FeSO4 आगे 8H2SO4 K2SO4 एम्प्टी है, कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं आया, ओके आगे 5Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है आगे 2MnSO4 ठीक है आगे प्लस 8H2O गुड वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और किसने किया और yes, यही आंसर आया यही yes. कि नहीं आया yes. चलो अब करना आ गया ना कि ऐसे बस एफई में 9 एफई में हाँ हाँ यस एफई में नाइन डाल दिया था गलती से। अच्छा ओके अब समझ में आ गया ना कैसे करने है क्वेश्चन जी, ठीक है बैलेंसिंग आगे करनी, कैसे करनी है बैलेंसिंग। चलो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अब हम चैप्टर का काफी हम चैप्टर कर चुके हैं, आई थिंक सो हमारा 70% चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक अब चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया है। तो आज का टॉपिक है हमारा साइकोमेट्री, सुना है नाम कभी साइकोमेट्री yes. क्या होता है साइकोमेट्री, बस नाम सुना आगे नहीं पता। ओके देखो साइकोमेट्री क्या होता है, साइकोमेट्री बेसिकली क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ते हैं उसकी कैलकुलेशंस करते हैं उसे साइकोमेट्री कहते हैं। मतलब कि ना जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करते हैं ना हमेशा साइकोमेट्री में क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, मीन्स यहाँ पे कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम काम नहीं करते हैं, हमेशा रिएक्शन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, तब हम उसकी क्या करते हैं आगे कैलकुलेशन, दैट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्री। आई बात समझ, स्टाइकोमेट्री क्या है, केमिकल रिएक्शन को पढ़ना उनकी कैलकुलेशन करना बट इन अ बैलेंस्ड वे, दैट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्री। क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वो अनबैलेंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसे स्टाइकोमेट्री नहीं कहते हैं, उसे पीओएसी कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम, वो सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली स्टाइकोमेट्री क्या है कि किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेशन करना इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्री। क्लियर बेटा, तो लिख लो इसके अंदर द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, the study of chemical reactions and calculations related to it is called stoichiometry. clear stoichiometry kya hai basically, aaya samajh, ab dekho yes jaise ki ab stoichiometry ab main baat karti hu, अगर हमें बैलेंस करते हैं, हम जब बैलेंस करते हैं आगे नंबर लिखते हैं ना 2, 3, 4 2NaCl3Cl कुछ भी है ये नंबर लिखते हैं ना हम आगे, ये नंबर्स क्या होते हैं, दीज आर द साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, एग्जैक्टली दीज आर द कोफिशिएंट्स यूज्ड टू बैलेंस, जो हम कोफिशिएंट्स यूज करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड साइकोमेट्रिक coefficients. clear? ठीक है ओके अब हम इसमें कई टाइप्स के प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग दिस कैलकुलेशन मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की होती हैं, कौन कौन टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, द प्रॉब्लम्स
फर्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारे पास मास मास रिलेशनशिप. सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास आती है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. थर्ड हमारे पास आती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. अब देखो जो बच्चे प्रदीप थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ मास मास रिलेशनशिप है. मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे सिलेबस में नहीं है. बड़े बुक्स में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट बाकी रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है, तो हमने चीजें नहीं पढ़नी है अभी. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, मास एंड मास रिलेशनशिप. अब इस मास मास रिलेशनशिप का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस की हो रही है बेटा, कौन है, क्या बात? ओके, नमन आ गया है डिस्टर्ब करने, अभी नमन डिस्टर्ब कर रहा है. नमन आ गया है. जशन भी आ गया कि नहीं? यस मैम. ओके, जशन भी आ गया है. ठीक है, हाँ जी, आई बात समझ. स्टोइकोमेट्री क्या है बेसिकली? किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेशंस करना, उसके कोफिशियंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स. इसमें वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम. ये हम दो टाइप्स नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ेंगे मास मास रिलेशनशिप. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मास मास रिलेशनशिप? इसके नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ आ रहा है बच्चों? वो कह रहा है किसी एक का मास हमें दिया होगा. किसी एक का मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का मास दिया होगा और दूसरे वाले का मास हमें कैलकुलेट करना होगा. तो आप लिख सकते हो मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इज गिवन. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का मास गिवन होगा एंड मास ऑफ सम अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड. और हमें किसी एक का निकालना होगा. इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई बात? ठीक है, किसी एक का मास दिया होगा और किसी दूसरे का मास निकालना होगा. एक क्वेश्चन के थ्रू इसे और समझते हैं. कैन आई टर्न द पेज? यस मैम. यस, चलो क्वेश्चन करते हैं हम. कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ वॉटर ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. अब देखो एक मास पूछ रहा है, एक मास दिया हुआ है. इट मीन्स ये मास मास रिलेशनशिप स्टोइकोमेट्री की बात कर रहा है. और जब भी ये स्टोइकोमेट्री की बात करता है सबसे पहले तो आपने रिएक्शन लिखनी है, वो भी बैलेंसिंग के साथ. सो द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन CH4 plus O2 राइट. मिथेन में क्या हो रहा है? कंबशन मीन्स O2 का जलना. तो क्या मिलेगा? कंबशन जब भी होती है हमेशा क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर. हाँ ठीक है, एग्जैक्टली. अब इसकी बैलेंसिंग करो. यहाँ पे H4 है, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे C1 O2 इट्स बैलेंस्ड. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सिर्फ सुनो पहली बात मेरी. रिएक्शन लिख दी, रिएक्शन पूरी क्यों लिखते हैं? क्योंकि बैलेंस करने के लिए. अब हमें क्या करना है? वो बात किस किस की कर रहा है, सिर्फ वो ध्यान देना है. वो बात किसकी कर रहा है? वॉटर निकालना है और मिथेन दिया हुआ है, राइट.
मतलब हमें मतलब है मिथेन और वाटर से, बाकी चीजों को भूल जाओ कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ, रिएक्शन में दिया भी हुआ है। इतनी बात क्लियर कि जो चीजें हमें पूछी गई है या दी गई है हमने सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, स्टाइकोमेट्री ये भी कहती है, बाकी चीजों पे ध्यान हमने नहीं देना। तो इट मीन्स CH4 सिंगल है, इट मीन्स इसके कितने मोल है, 1 मोल। इसके अगर 2 है कितने मोल है, ये 2 मोल। ठीक है, इसका मास निकालेंगे तो 12 + 4 = 16 ग्राम, इसका निकालेंगे तो 16 × 2 = 18, 18 × 2 = 36 ग्राम। अब इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं, पहले करवा रही हूं स्कूल का मेथड जो हम स्कूल में करेंगे, फिर करवाऊंगी कंपटीशन का मेथड। देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हमें कह सकते हैं हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ना वाटर का मास, और इसका दिया हुआ है तो दिया हुआ यहां पर है ना, जो निकालना है वो यहां पर। इट मीन्स 1 मोल ऑफ CH4 क्या प्रोड्यूस करता है, 2 मोल वाटर, है ना। हम बात कर रहे हैं मासेस की कि हमें निकालने हैं मास इनके, तो मास पर आते हैं। अरे वैसे तो मास हमने निकाल ही दिया, तो निकाल दोबारा निकाल लेते हैं हम। वो कहता है 1 मोल CH4 में 16 ग्राम है, बट 2 मोल वाटर में कितना ग्राम है, अच्छा 1 मोल वाटर में कितना है, 18 ग्राम, है ना। तो 2 मोल वाटर में कितना होगा, यही आंसर है, वो इसी का मास पूछा था ना वो हमें। अब इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं हम, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, निकालना क्या है मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, मोलर मास कितना है 18, दैट इज 36 ग्राम। नंबर ऑफ वेज है क्वेश्चन सॉल्व करने के, बस आपने क्या ध्यान रखना है, मास मास की बात हो रही है तो जो निकालना है और जो दिया हुआ है उसी की बात करनी है, बाकी बंदे हैं भूल जाओ, ये क्वेश्चन है आपका। समझ में आया कुछ? यस। एक क्वेश्चन और करें इसमें तो और समझ में आएगा ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। कर दूं पेज टर्न? यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं एक और। How many moles of methane are required to produce 22 gram CO2 gas after combustion? फर्स्टली राइट द रिएक्शन अगेन, मीथेन में कंबशन हो रही है तो CO2 + 2H2O, रिएक्शन तो यही बनेगी। अब बात अगेन मीथेन एंड CO2 की हो रही है, ठीक है, तो वाटर की बात नहीं कर रही है अभी यहां पर, ठीक है ना। yes. हमें इसका निकालना है और इसका दिया हुआ है तो इसकी बात हो रही है, ठीक ओके। हमें क्या निकालना है आगे, सिंपल सी बात है, इसका क्या दिया हुआ है, 22 ग्राम दिया हुआ है ना हमें, क्या करेंगे बताओ, बोलो बोलो। 8 ग्राम ऑफ मीथेन हुआ, आंसर कितना आया इसका, 8 ग्राम ऑफ मीथेन विल बी रिक्वायर्ड। नमन मोल्स, ये कौन बोल, नमन बोला ना ये, यस यस मैम। नमन आज दिमाग कहाँ है, क्या हो गया इसका, 8 ग्राम कहां से आ जाएगा मुझे बता दो पहले। 18 ग्राम आएगा। हाय भगवान। अब ये कौन बोला? मैम मैं हुनर। हुनर। ओहो हुनर। 10 ग्राम भी नहीं आएगा। गलत। और कोई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। स्टाइकोमेट्री क्या कहती है? अगर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अब बताओ।
थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा दिमाग लगा लो। मैं बताऊं फिर अब? बताओ। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे ना हमें, हमें सी एच फोर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अगर ये एक मोल है और ये भी एक मोल है, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इसका मास भी क्या हुआ 22 ग्राम और इसका मोलर मास क्या हुआ 44, सॉरी CO2 का मोलर मास। अच्छा इसका अगर हम इसके मोल निकाल लें तो इसके भी वही मोल आएंगे। इसके मोल निकालो, मास अपॉन मोलर मास, 22 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हुआ इसका 44 मोल। तो इसके भी कितने आए 0.5 मोल। मेन स्टोइकोमेट्री का मतलब ये होता है, स्टोइकोमेट्री इसे कहते हैं, तभी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ये भी एक मोल था, ये दो मोल था, इसका जस्ट ट्वाइस कर दिया। तो वही बात है, अगर ये एक मोल है, ये भी एक मोल है, तो इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो इसके मोल निकाले तो वही क्या आया 0.5 मोल। मैम फिर 8 ग्राम नहीं होगा 0.5 मोल्स? तो मुझे तो आंसर मोल में चाहिए ना, तुम ग्राम क्यों बोल बता रहे हो? मैं तो मोल्स की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स, मैंने तो ग्राम निकाला ही नहीं, मैंने तो इसका मास निकाला ही नहीं, तो कौन निकालेगा बैठ के उसको? वो मांग ही नहीं रहा, वो तो मोल्स ऑफ मीथेन मांग रहा है। ओके ना मन, जिसकी नीड नहीं है अपना एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना है? अपना दिमाग उतना लगाओ जितना वो कह रहा है, क्योंकि अपना दिमाग हमें और चीजों में भी यूज करना है, ठीक है ना? क्यों हम उसको वेस्ट करें ना चीजों को? तो जो वो कह रहा है वो निकालो सीधा, क्यों मास में पंगे पड़ रहे हो? ओके, क्योंकि इस चैप्टर में से बड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी और बोर्ड्स में भी, तो थोड़ा सा हमें दिमाग परफेक्ट लगाना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है ना? चलो आगे, तुम्हें मैं इसकी शीट भेजूंगी, आज भेज दूंगी मैं, डीपी भी भेजूंगी, वो सॉल्व करना क्वेश्चन। हमारा अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। यस, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। संजी समझ में आ गया टॉपिक ये वाला? Yes. लिमिटिंग रिएजेंट बोलो या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलो, एक ही बात है। मींस यहाँ पे हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, ओके? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, तो व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग एंड एक्सेस? हाँ, लिमिटिंग LR, एक्सेस ER। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, क्या होता है? I'm limiting reagent, वो होते हैं मैं मैम जो वो होते हैं ना जो सबसे पहले मतलब खत्म हो जाते हैं। किसमें? वन मिनट। हाँ खत्म हो जाते हैं, किसमें खत्म हो जाते हैं? जो limited reaction में। हाँ कोई कुछ ना कहता है reaction हो रही है, reaction होते होते जो सबसे पहले चीज खत्म हो जाए, रुक जाए, stop हो जाए, उसे हम बोलते हैं limiting reagent। और जो रिएक्शन में चीज बच जाती है, एक्सेस में रह जाती है, उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट दैट गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट एंड लिमिट्स और स्टॉप्स द रिएक्शन is called as limiting reaction, ठीक है? जो reaction में सबसे पहले exhaust हो जाए, खत्म हो जाए, stop हो जाए, उसे बोलते हैं limiting reagent। Excess reagent क्या है? The reactant that is left at the end of the reaction, reaction के end तक बच जाता है, उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। ओके, यस
पेज कर दूं डन यस मैम मिनट मैं मान लूं ओके ओके यस हाँ जी एक एग्जांपल करते हैं जैसे कि हमें दिया हुआ है 3 moles ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 6 moles ऑफ बी इज इक्वल टू 3 moles ऑफ सी प्लस 5 moles ऑफ डी वो कहता है इनिशियल मोल्स इसके हमें 9 moles दिए हुए हैं इसके हमें 27 moles दिए हुए हैं इसके और इसके हमें नहीं पता तो इनिशियल में इसके मोल्स क्या है 0 है हमें इसके मोल्स निकालने हैं ठीक है अब देखो सुनो ध्यान से लिखना मत साथ साथ सिर्फ सुन लो अब लिमिटिंग हमें करना क्या है इसके अंदर किसी का माइक म्यूट है तो फिर अनम्यूट कर लो उसको और सुन लो देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना है हमने अभी हम रिएक्टेंट की बात करेंगे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हमने इन दो रिएक्टेंट्स में ये पहचानना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है सबसे पहला काम हमारा ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तो हम सपोज करते हैं लेट करते हैं कि सपोज करो बी लिमिटिंग रिएजेंट है अगर भी लिमिटिंग रिएजेंट है तो देखते हैं कि ए क्या आता है देखो अगर भी लिमिटिंग रिएजेंट है बी के मोल्स कितने हैं 6 moles ऑफ बी रिएक्ट कर रहे हैं 3 moles ऑफ ए के साथ राइट तो एक मोल कितने में करेगा 3/6 बट बी के मोल दिए कितने हुए हैं 27 moles तो वो कितने में करेगा 3/6 × 27 ये आंसर आया मेरे पास 13.5 mole ऑफ ए बट ए के थे कितने 9 moles आया कितना 13.5 ये तो एक्सेस हो गया तो लिमिटिंग नहीं हुआ इट मीन्स हमारी अजम्पशन क्या है गलत बी इज नॉट लिमिटिंग रिएजेंट चलो ट्राई करते हैं कि सपोज करो ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो मतलब 3 moles ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 6 moles बी के साथ ए करेगा 6/3 में बट ए के थे कितने 9 moles 6/3 × 9 कितना आया ये 18 moles ऑफ बी बट बी था कितना 27 आया ना लिमिटिंग उससे के अंडर आ रहा है ना इट मींस ए क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जब हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया तो उसी को लेके हम सी और डी निकालेंगे देखो 3a में कितना सी दिया हुआ है 3c 1 में 3/3 ए था कितना 9 तो 3/3 × 9 विच इज 9 moles ऑफ सी सी कितने मोल्स आ गए सिमिलरली 3a में दिया कितना हुआ है 5d 1 में कितना होगा 5/3 तो 9 में कितना होगा 5/3 × 9 विच इज इक्वल टू 15 moles ऑफ डी तो लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके हमने सी और डी निकाला आई बात समझ इतनी यस मैम किसी को कोई दिक्कत यहां तक नो मैम सबको समझ में आ गया यहां तक यस मैम सुनो एक और बात अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है ये जो मैंने किया है वो तो हमने करना है स्कूल बोर्ड में ऐसे अभी भी शॉर्ट में लिखा है तो ढंग से लिखना है इसको स्कूल में लेकिन तो कंपटीशन में हम करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक आती है जिसे बोलते हैं सिर्फ मेथड एस का मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट आई का मतलब इनिशियल अमाउंट आर का मतलब रिएक्टेड अमाउंट एफ का मतलब फाइनल अमाउंट और इसमें के आता है के फाइंड करते हैं हम गिवन मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट इतना समझ में आया क्या लिखा मैंने एक सिर्फ मेथड है एस का मतलब उसमें क्या क्या पाया जाएगा स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनिशियल अमाउंट रिएक्टेड अमाउंट एंड लास्ट में हम फाइनल अमाउंट निकालेंगे
जैसे कि हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, क्या 3a plus 6b gives 3c plus 5d, इसके हमें 9 मोल्स दिए थे, इसके हमें 27 मोल्स दिए थे, ये था हमारा आई। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है के। के कैसे आएगा, जितने उसके मोल्स दिए हुए हैं अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट। तो 9 बाय 3 कितना हो जाएगा, ये 27। अरे 9 बाय 3 मोल्स बाय स्टाइकोमेट्रिक, हाँ 3 आ जाएगा इसका आंसर। और बी में 27 बाय 6 ये आ जाएगा 4.5, राइट? Yes. अब वो ये कहता है जिसकी के की वैल्यू क्या है छोटी, वो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये फाइंड करने का सबसे इजी तरीका, ठीक है, के निकाल लो, मींस मोल्स को उसके स्टाइकोमेट्रिक से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू छोटी आती है वो क्या निकलता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। आई बात समझ? अब लिमिटिंग रिएजेंट आ गया ए, ठीक है, ये 3 था, ये 4.5 आया था k, दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिखो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 3, इसका 6, इसका 3, इसका 5, ठीक है। अब लिखेंगे हम r, r कैसे निकालते हैं, k मिनिमम इनटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। k क्या था 3, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3, अगेन k क्या है 3, कोफिशिएंट 6, 3 × 3, 3 × 5, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको माइनस में लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है उन्हें प्लस में लिखेंगे, ठीक है। योर लास्ट इज f, f क्या होता है i प्लस r, ये क्या आ गया i प्लस r, ना i क्या था 9, r क्या है माइनस 9, तो ये क्या आ गया 0, r क्या था 27, ये क्या हो गया माइनस 18, ये आ जाएगा 9, ये था 0 0, 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 15 15, आया पीछे वाला ही आंसर। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो हमेशा उसकी फाइनल अमाउंट क्या आएगी 0, क्योंकि वो रिएक्शन में खत्म हो गया ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा क्या आएगा 0। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक। आई बात समझ? किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बताओ भाई? नो मैम। अब लिख लो इसको, तुम लिख लिया साथ में सबने? एक मिनट मैम। हाँ लिख लो, पिछला पेज लिखने? नो मैम। ये सबने कर लिया? नो मैम। करना है? आज वाली लेक्चर का लिंक भेजो, लिंक आज तुम लोग बताओ, भेजू? यस एक्चुअली ना मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना वही भेजते जा रही हूँ, वो भी ये भी करवाऊंगी उसके अंदर मैं, तो तुम्हें भेजते जाऊंगी वो, मैं जो मैं स्टार्टिंग से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं लॉस पर आ गई हूँ, डोंट वरी, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी इस पॉइंट तक, तब देख लेना क्या आज करना है, इफ पॉसिबल आज हो सके तो। चलो मैं सेंड कर देती हूँ आज, ओके आज करते सेंड कर देती हूँ ये लेक्चर, ओके ओके। जब समझ तो आ गया सबको, सिर्फ मेथड, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। राइट डाउन, सबने लिख लिया? लिख लो, के क्या है? क्या बेटा? के सिर्फ मेथड लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए।
डन यस मैम नेक्स्ट पेज कर दूं अच्छा बच्चों अब ना कुछ ना दो फॉर्मूले से हैं परसेंटेज प्योरिटी बोर्ड्स के लिए नहीं है ये ओनली एंड ओनली फॉर कंपटीशन ये टॉपिक सिर्फ कंपटीशन में आता है सिलेबस में बाकी बुक्स में नहीं है बोर्ड में नहीं है एनसीईआरटी में नहीं है ओके तो सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रही हूं मैं परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है हमने प्योर कितना वो कंपाउंड प्योर है उसका परसेंटेज निकालना होता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए हम एक्चुअल अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100 सिमिलरली एक और आता है परसेंटेज यील्ड यील्ड का मतलब क्या होता है आउटपुट एंड इट इज आल्सो ओनली फॉर कंपटीशन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 ठीक ये दो टॉपिक हैं जो सिर्फ कंपटीशन में आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं आपको ध्यान रखने हैं इनके क्वेश्चंस करवाऊं यस ओके एक्चुअल अमाउंट अपॉन Actual amount upon theoretical amount into 100. एक मिनट मैम हाँ तुम चार मिनट ले लो वैसे भी टाइम सिर्फ एक मिनट ही बचा है आराम से करो वो किसी न्यूमेरिकल्स में कल ही करवाऊंगी मैम इसका लिंक सेंड कर देना आज वाले लेक्चर का प्लीज हाँ हाँ समझ नहीं आया कुछ ऐसा है नहीं नहीं आप ओके ओके मैं सेंड कर दूंगी मैं तो तुम लोग ऐसे कर लो सुनो मेरी बात अगर तुम लोग ऐसे स्क्रीनशॉट खींच लो तो ठीक है खींच लेते हैं मैं खींच लो स्क्रीनशॉट डन खींच लिया सबने Yes, ma'am. एक मिनट मैम 1 मिनट हाँ 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 2 मिनट ले रहा यार क्लियर नहीं आ रहा मैम थोड़ा सा नहीं मैं सेंड भी कर दूंगी ये देखो ये क्लियर आ जाएगा yes. तो फिर लिखा होगा ना मैं सेंड भी कर दूंगी वैसे स्क्रीनशॉट सेकंड कॉलम क्लियर नहीं आ रहा हाँ सेकंड कॉलम नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं सेंड भी कर दूंगी मैं एक ये भी स्क्रीनशॉट मार लो बाकी जो मार रहे हैं बस वैसे भी हमारी ये दो डीपीपीस के बाद हमारे चैप्टर जब हमारी ये डीपीपी 4 के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे ना तो समझ जाना चैप्टर कंप्लीट हो गया ओके अच्छा डीपीपी 2 भी डिस्कस करनी ना हमने अभी कि कर ली हमने डिस्कस कर ली और डीपीपीए वाली यस करनी है मैम करनी है ना करेंगे एक बार डिस्कस करेंगे ओके इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारा इसके बाद एक टॉपिक रह गया है वो टॉपिक थोड़ा लंबा सा है तो चैप्टर कंप्लीट है हमारा देख वो एक टॉपिक को हफ्ता लग जाएगा हफ्ता या 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे जो टॉपिक रह गया है आज हो गया वेंसडे कल थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट वीक तक आई थिंक सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज डेट क्या है 15 यस मैम 15 का 7
25 तक हो जाएगा कंप्लीट, हाँ चैप्टर हो जाएगा।